आज इस औसत क्लासेस का ये दूसरा बैच पास आउट हुआ है। पहले बैच में 11 बच्चे आईटी गए थे, इस बार 14 गए हैं। आनंद का विषय ये है कि जेल मेन में 14 बच्चे अपीयर हुए और 14 के 14 हमारे सफल हुए। तो हमारे यहाँ कहा गया है सब कुछ हो सकता है लेकिन योजना करने वाला दुर्लभ होता है, योजकस्तः दुर्लभः। आज का कार्यक्रम हमारे बीच में, हमारे बच्चों के बीच में जो मेधा है, टैलेंट है, कुशलता है, उसको अंडरलाइन करने वाला, अधोरेखित करने वाला एक व्यक्ति हमारे बीच में है, यही आज के कार्यक्रम की सफलता है। कई करोड़ रुपए, मतलब मैं समझता हूँ लगभग 8-10 करोड़ तो वर्ष में हो ही जाता है, जो शिक्षा में, गरीबों के चिकित्सा में, बेटियों के विवाह में और ऐसे सामाजिक कार्यों में जरूरतमंदों के लिए खर्च करता है। जो योजना करता है इस सब की, वो नहीं होता तब हमारे बीच में कितनी भी मेधा हो, कितना भी टैलेंट हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में पिछड़ापन और गरीबी कितनी है ये हर किसी को मालूम है। कई ऐसे मौके आते हैं जब छात्र छात्राएं गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते और सपनों का जो उड़ान वो भरना चाहते हैं वो भर नहीं पाते। लेकिन बिहार में एक ऐसी संस्था है अवसर ट्रस्ट, जो निःशुल्क इन गरीब असहाय बच्चों को ऊपर उठाने में लगी हुई है। वो इन छात्र छात्राओं को एक मुकाम देने के लिए अपना सब कुछ झोंक देती है और इसके अध्यक्ष हैं पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा। आपको बता दें कि इस बार आईआईटी की जो परीक्षा हुई उसमें अवसर ट्रस्ट के कई छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, परचम लहराया है और चयनित हुए हैं। ऐसे में आज विधान परिषद के सभागार में इन बच्चों को सम्मानित करने के लिए, इन छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता खुद चेयरमैन आर के सिन्हा कर रहे थे और साथ ही इसके मुख्य अतिथि थे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। विधान परिषद के सभापति भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे और अवसर ट्रस्ट के डायरेक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव भी मौजूद थे। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से छात्र छात्राओं की भीड़ भी वहां पर मौजूद थी, एक बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में। और इस दौरान जो चेयरमैन आर के सिन्हा हैं पूर्व राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी बताया कि आखिरकार उन्होंने इस ट्रस्ट को किस लिए बनाया और किस प्रकार से वो काम करता है, इन छात्र छात्राओं ने कैसे मुकाम हासिल किया उसके बारे में भी, और साथ ही जो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं उनके तरफ से भी कई बातें कही गई हैं। सबसे पहले सुनिए कि तमाम लोग जो वहां मौजूद थे, खासकर आर के सिन्हा और राज्यपाल, क्या कुछ कह रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए और कल क्लासेस के निदेशक जिनके कठिन परिश्रम से आज हमें ये काम हासिल करता है। मित्रों, यह अवसर ट्रस्ट मेरे माता जी अन्नपूर्णा सिन्हा और सूरज प्रसाद सिन्हा उनके पिताजी के नाम से मैंने गठित किया, जब 2005 में उनका एक ही सप्ताह के अंदर देहावसान हुआ। ये बहुत अद्भुत होता है कि माता जी गई और एक सप्ताह के अंदर ही पिताजी भी गए। तो पिताजी जब बीमार थे तो मैं रोज उनके पास बैठता था, तो एक दिन मैंने पूछा कि कुछ मुझे बताइए कि क्या किया जाए, मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने राजा परीक्षित के वंशज रंतिदेव का, महाराजा रंतिदेव का कहा हुआ ये श्लोक मुझे सुनाया कि नृपं कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम्। यानी कि देखो
भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कोई स्वर्ग की प्राप्ति नहीं चाहिए, पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए, हो नहीं हो वो आपके हाथ में है, लेकिन ये जरूर है कि कोई भी व्यक्ति अगर जरूरतमंद हो, कोई भी व्यक्ति आर्तनाद कर रहा हो, तो मैं उसकी आंखों के आंसू पोंछ पाऊँ, उसकी सेवा करूँ। तो इसी को धन्यवाद रखते हुए अवसर ट्रस्ट शुरू हुआ, और अवसर ट्रस्ट प्रति वर्ष कई करोड़ रुपए, मतलब मैं समझता हूँ लगभग 8-10 करोड़ तो वर्ष में हो ही जाता है, जो शिक्षा में, गरीबों के चिकित्सा में, बेटियों के विवाह में और ऐसे सामाजिक कार्यों में जरूरतमंदों के लिए खर्च करता है। कोई सरकारी सहायता नहीं लेते, इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है वो हमारा, हमारे परिवार का, और अगर कोई इच्छुक दाता है तो उसमें सहयोग करता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन मुख्य रूप से मैं और हमारे परिवार के लोग ही इसमें शामिल रहते हैं। आज इस औसत क्लासेस का ये दूसरा बैच पास आउट हुआ है, पहले बैच में 11 बच्चे आईटी गए थे, इस बार 14 गए हैं, और आनंद का विषय ये है कि जेल मेन में 14 बच्चे अपीयर हुए और 14 के 14 हमारे सफल हुए, ऐसा होता नहीं। और उससे भी आनंद का विषय ये है कि इन 14 बच्चों में समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, अति पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं। महत्ता रखने वाले एक व्यक्ति हमारे साथ में जो है, उनको मैं केवल मार्गदर्शक कहूंगा, ऐसे हमारे आरके सिन्हा जी, उनका और कोई, उनके नाम के पीछे और कोई विशेषण या एडजेक्टिव लगाने की आवश्यकता नहीं है। समाज में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, जिन अवसरों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, परंतु ऐसा अवसर, ऐसा मौका बहुत कम बार आता है। आज यहाँ जो हमारे बच्चे जिनका सम्मान हुआ, वो उनकी मेधा का सम्मान था ऐसा मैं मानूंगा नहीं, वो सम्मान, मेधा रखने वाले तो बहुत सारे व्यक्ति हमारे समाज में होते ही हैं, और ऐसे मेधावी बच्चे हो, मेधावी अभिभावक हो, मेधावी अन्य लोग हो, परंतु ऐसे सब मेधावी बच्चों को अवसर देने वाला जो एक व्यक्ति होता है, उनके सम्मान में आज वास्तव में हम यहाँ आए हैं, और वो आरके सिन्हा जी। ऐसे अवसर मैंने कहा कि बहुत सारे आते हैं, मिलते भी हैं, परंतु हमारे यहाँ कहा गया है सब कुछ हो सकता है लेकिन योजना करने वाला दुर्लभ होता है, योजकस्तः दुर्लभः, जो योजना करता है इस सब की वो नहीं होता, तब हमारे बीच में कितनी भी मेधा हो, कितना भी टैलेंट हो, उसकी दखल लेने वाला जब नहीं होता, तब उस मेरी टैलेंट का, उस मेरी कुशलता का कोई अर्थ नहीं रहता। आज का कार्यक्रम हमारे बीच में, हमारे बच्चों के बीच में जो मेधा है, टैलेंट है, कुशलता है, उसको अंडरलाइन करने वाला, अधोरेखित करने वाला एक व्यक्ति हमारे बीच में है, यही आज के कार्यक्रम की सफलता है। जैसे कि रजनीकांत जी बोल रहे थे, मैं उनको बहुत ही ठीक ढंग से सुन रहा था
कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मेरे मन में उनके जो शब्द थे वो नहीं आ रहे थे, परंतु वो जो सामने हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट्री रख रहे थे, उस डॉक्यूमेंट्री के यहाँ मेरा मन पुनः पुनः आकर्षित हो रहा था। और वो डॉक्यूमेंट्री क्या थी, वो चित्र क्या था, वो चित्र था कि जो बच्चे अभिभावक सभी यहाँ खड़े रहकर हमको हमारे लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। और जब भी रजनीकांत जी हमारे यहाँ बीच नाम लेते थे बच्चों का, तब दिखाई देता था कि ये बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनके चित्र हमारे सामने हैं। मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि हर कार्यक्रम का एक कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उसका एक हेतु होता है, और उस कार्यक्रम से हम एक संदेश लेकर जाना चाहते हैं। वो संदेश यहां खड़ा रहकर भाषण करने वाले से मिलता नहीं, वह संदेश उनसे मिलता है कि जो यहां बच्चे खड़े हो रहे थे। तो अभी आपने सुना और देखा भी किस प्रकार की तस्वीरें वहां से निकल कर सामने आई हैं। जो छात्र छात्राएं आईआईटी में चयनित हुए हैं, अवसर ट्रस्ट के ये छात्र छात्राएं हैं, निशुल्क इनकी पढ़ाई वहां पर हुई है, और उसके बाद आज सम्मानित करने की बारी थी। किस प्रकार से उन तमाम छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, और फिर जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, अवसर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आरके सिन्हा, उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो भी आपने सुना। बने रहिएगा हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।